हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिधि ऑफिशियल जोन। आई एम रिधि और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता चला है, लेटेस्ट अभी जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है वो आपके रिक्वेस्टेड जितने भी वीडियो है वो सारी अपलोड चैनल पे कर दी जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो चैनल पर नहीं है, या फिर ऐसी कोई कन्फ्यूजन जो कि अभी तक आपका क्लियर आउट नहीं हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी, वो वीडियो बनाने लायक होगी तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगी। क्या पता वो छोटा सा एक क्वेश्चन आप में से काफी स्टूडेंट के यहाँ पे हेल्प कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल यहाँ पे देखा ही होगा कि आप लोगों के इसमें क्या कन्फ्यूजन दूर होगी। काफी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि आप लोग डिस्टेंस से ही यहाँ पे बीएड कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड कम समय में आप पढ़ाई कैसे करें, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होते हैं, राइट। तो यही सारे क्वेश्चनों का आपका सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आऊंगी या फिर जो भी आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होनी चाहिए वो लेकर अपलोड करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप में से काफी स्टूडेंट, खासकर तो यहाँ पे गर्ल्स ही होती हैं जो कि यहाँ पे डिस्टेंस से कर रही हैं, लड़कों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी लड़कियों को फेस करते हैं, क्योंकि आपका स्टेट भी अलग अलग हो जाता है। क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज आया, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझसे काफी स्टूडेंट ने पूछा भी है कि हम इतने डिस्टेंस से हम बार बार कॉलेज नहीं आ सकते हैं, काफी ज्यादा ऐसे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, लाइक उस समय क्या करना है, मतलब एग्जाम कब है, फॉर्म कब आने वाले हैं, कौन सी बुक हमें लेनी है, किस तरीके से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर बहुत सारे ऐसे माइंड में क्वेश्चन होता है, मतलब क्योंकि कॉलेज में वो रेगुलर नहीं जाके अपडेट हो सकते और जो भी आपके यहाँ पे डाउट और क्वेरी होती है उसके लिए आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो यही एक वीडियो थी जो कि मैंने सोचा आप लोगों के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल हो पाएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बीएड फर्स्ट या सेकंड ईयर का पेड क्लासेस लेने में इंटरेस्ट है तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा पेड कोर्सेज का आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी नोट्स के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप में से जितने स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस वाले हैं और वो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते, या फिर उनको नहीं समझ आता कि किस तरीके से इस समय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दोस्तों सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करनी है, बीएड की आपको सबसे पहले फाइल सारी रेडी कर लेनी है टाइम से पहले, क्योंकि आपके एग्जाम एट दी एंड मई में आप बोल सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं तो जून के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने ही होने हैं, राइट। तो ये जो आपके डेट है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास से 2 या 2.5 महीने आप बोल सकते हैं, श्योरिटी नहीं कह रही बट इतना श्योर हूँ कि आपके एग्जाम इन्हीं के बीच में हो जाएंगे। तो 2 या 2.5 महीने अगर आपके पास है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डिस्टेंस में है आप लोग कॉलेज से नहीं पता कर पा रहे, आप लोग बुक्स ले लीजिए। अब बुक्स कौन सी लेनी है, इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई है, क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने अपने चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के अपलोड करें, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकंड ईयर के, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी कि वो कौन सा है आप लोग, बाकी सबका उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कीजिएगा। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम में रेडी कर लिए उससे ज्यादा पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं श्योर हूँ, और आप लोग के अच्छे मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग की प्रोजेक्ट फाइल भी होती है और आपका एग्जाम सेकेंड ईयर चाहे फर्स्ट ईयर का हो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा अगर आपने बीएड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार मैक्सिमम आते ही आते हैं। अब रही चाहे बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर स्टूडेंट की, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑलरेडी आपके असाइनमेंट फाइल्स की सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। जो रिमेनिंग रह गई है वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे एग्जाम है तो एग्जाम के चक्कर में वीडियो मैं ऐसे नहीं बना पा रही जो कि आपकी हेल्प कर पाऊँ, बस यहाँ ये थोड़ा सा गैप लेके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ जिससे कि बच्चों के जितने डाउट है उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर पाऊँ। तो डिस्टेंस वाले बच्चों से यही बोलूंगी कि दोस्तों आप बार बार कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, जोन सी भी बुक है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग रेडी करिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए और रिवाइज करना है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अभी से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों के कंटेंट फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट। आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी दिए हैं मैंने उनमें से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स भी परचेज करता है तो वो सारे टॉपिक आपके उसमें कवर अप हो जाएंगे और उससे ज्यादा पढ़ने की भी आप लोगों को यहाँ पे नीड नहीं होगी। तो ये थी एक छोटी सी न्यूज जो कि आप लोगों को देनी थी और आपका एक डाउट था, अभी भी कोई और आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए वही लेकर आऊंगी जिससे एग्जाम से पहले जो भी आपके डाउट है उसे मैं क्लियर आउट कर पाऊँ।
एग्जाम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो वीडियो जो कि चैनल पे अपलोड हो चुकी है कि बीएड में आप लोगों को हिंदी में लिखना चाहिए या फिर इंग्लिश में लिखना चाहिए, सबसे ज़्यादा नंबर किस में आते हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, थंबनेल यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये रिसेंटली वीडियो डाली है मैंने तो आप लोग इजिली मेरे चैनल पर देख भी लेंगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये और दूसरा आप लोगों को कौन सी कि बुक हमें कौन सी लेनी चाहिए, बुक कौन सी लेनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक से लेके जो भी डाउट है हिंदी इंग्लिश मीडियम में वो सारे डाउट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, तो एक बार उन सब वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के बाद, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, बाकी और भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी डिस्टेंस में हैं और वो डेली और नहीं आ पाते। ये छोटी सी वीडियो में बस इतना क्लियर करना था कि उन्हें स्टार्ट कैसे करना है, तो यही बोलूंगी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप उस वीडियो को देखिए, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप वन बाय वन करके रेडी करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के से रिलेटेड और लेकर आऊंगी किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है और कितने पेजेस में आप लोग किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अब आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगी आपके कंटेंट के साथ साथ कुछ बेनिफिशियल वीडियो भी लेकर आऊंगी और ऐसी कुछ वीडियो जिसमें आपके प्रश्न होंगे और हमारी तरफ से आपको यहाँ पे उस प्रश्नों का हल यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल रीड्स अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूले, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।